हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमाज किचन चौहान में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कमरख यानी स्टार फ्रूट की सब्जी कैसे बना सकते हैं आसानी से, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने स्टार फ्रूट को ऐसे कट कर लिया है, आप चाहो तो कोई भी शेप में कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है और हरा धनिया लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं मसाले का घोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने वही रेगुलर मसाले यूज़ किए हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पाउडर, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लिया। तो चलिए एक कढ़ाई में कर लेते हैं हम 2 चम्मच तेल गरम। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कलौंजी डाली है और 1 चम्मच ही मैंने डाली है सौंफ। तो ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल दूँगी वो जो मैंने मसाला तैयार किया था। तो यहाँ पे मैं मसाला डाल देती हूँ और इसे अच्छे से पकाएंगे ढक के 2 से 3 मिनट तक, ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तो इसे ढक के पका लेते हैं 2 से 3 मिनट। स्टार फ्रूट हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके खाने के बहुत ही फायदे हैं, और इसे हम 7 से 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं इस सब्जी को। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए तेल भी अच्छे से छोड़ दिया इन मसालों ने। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। स्टार फ्रूट को कई जगह कमरख भी बोला जाता है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ढक के, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, इसे चेक करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ, 1 चम्मच। ये देखिए, इतना सा पानी का यूज़ करेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो, पर गुड़ हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैं यहाँ पे गुड़ ही यूज़ करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। ये सब्जी जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, अच्छे से पक गई ये सब्जी। पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। गुड़ भी अच्छे से गल गया है, और ये सब्जी स्टार फ्रूट क्या है, थोड़ा खट्टा होता है ना, केरी की तरह बिल्कुल, तो इसमें गुड़ का यूज़ तो करना ही है, या फिर शक्कर भी डाल सकते हो आप। ये देखिए, अच्छे से पक गया ये। तो मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे आप चपाती के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सीमाज किचन चौहान को। थैंक यू।